नाम है इंशार अख्तर और मैं BHMS 4A का स्टूडेंट हूँ। आज जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा वो दिल्ली के पहले सल्तनत के जो बादशाह थे उनके बारे में। दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक एक दफ़ा शिकार खेल रहे थे कि इतने में ही उनका तीर एक बच्चे को जा लगा। पता करने पर मालूम हुआ कि बच्चा पास ही किसी गाँव में एक बूढ़ी औरत का इकलौती औलाद है। बादशाह ने उस वक्त औरत को बुलाया और कहा कि उसका बच्चा गलती से उसके तीर की वजह से मर गया है, जिस पर औरत ने कहा कि चलो काजी की अदालत में फैसला करेंगे। बादशाह ने अपने आप को काजी की अदालत में पेश किया और अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो काजी ने कहा कि जो औरत जिसका बच्चा मर गया है वही औरत सजा देगी। औरत ने कहा कि ऐसा कौन सा बादशाह होगा जो अपने ही सल्तनत में अपने ऊपर अदालत चलाए। औरत ने कहा कि मैं आज के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही मेरा बेटा है और मैंने इसे माफ़ कर दिया। अदालत की कार्रवाई ख़त्म हुई तो काजी ने कहा कि अगर तुम ज़रा भी अदालत में अपनी बादशाहत दिखाते तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता। इस पर बादशाह ने कहा कि अगर तुम ज़रा भी मेरी बादशाहत का लिहाज करते तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। Thank you.